जानकारी देने से पहले आप सभी को एक बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी दे दूं कि मैंने अपनी चैनल अपनी वीडियो पर अपना नंबर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है जो ऑन स्क्रीन आ रहा है। आप वीडियो कॉल पर मुझसे सीधे सीधे बात कर सकते हैं। बहुत ही माइनर फीस मैंने लगाई है क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा है। जो लोग वीडियो के नीचे टाइटल में अपना नंबर दे रहे हैं वो उस नंबर का कांटेक्ट ना करें। कमेंट बॉक्स में जो लोग नंबर डाल रहे हैं मेहरबानी करके कांटेक्ट ना करें। मैं हर बार आप सभी को अलर्ट कर रही हूं, उसके बावजूद भी जो फ्रॉड से उनका धंधा जोरदार चल रहा है, जबकि ये लोग वीडियो कॉल पर बात नहीं करवा रहे। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जब भी कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो वीना भदौरिया के ऑफिस से कनेक्टेड है, मुझसे कनेक्टेड है, मेरे ग्रुप से कनेक्टेड है, आप उससे सीधा बोलो कि वीडियो कॉल पर बात करवाओ। ये लोग व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं। जो वॉइस कॉल पर आपसे बात कर रही है वो नकली वीना भदौरिया है। आपको मुझसे सीधे सीधे बात करनी है, आप वीडियो कॉल पर आ जाएं। हाँ, ऑन स्क्रीन जो नंबर है उस पर यदि आप वॉइस कॉल पर बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझसे सीधे बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जो भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, सभी को होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय 2 सेकंड का है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आज के दिन इस क्रिया को करने से, इस टोटके को करने से हमेशा आपका घर सुरक्षित रहता है, धन की वृद्धि होती रहती है और तमाम प्रकार के आपके कार्य आसानी से होते रहते हैं। आप देखना, कई लोगों को बहुत अड़चन आती है, मैडम हम कोई भी काम करते हैं हमें इतनी अड़चन आती है, हमारा काम नहीं होता है। जो काम दूसरे लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, मैडम हम जब करते हैं तो कहीं ये विघ्न आएगा, कहीं वो विघ्न आएगा। मैं आपको बता दूं, जिनकी लाइफ में बहुत सारे विघ्न आते हैं वो इस उपाय को आज के दिन तो करें ही करें, लेकिन ऑलवेज गणपति जी की पूजा करते रहे। यदि गणपति जी आपके ऊपर ना खुश है तो काम में विघ्न आएंगे और आएंगे। कोई भी काम करते हैं उसके पहले आप बोले ओम श्री गणेशाय नमः, है ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभम निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों जाप करते रहे, आप देखेंगे काम के बीच में आने वाली अड़चन तुरंत दूर हो जाएगी। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ इस पूनम मतलब होली की रात आपको कर लेना है। जो लोग होली की रात ना कर पाए, जैसे जो हमारे सब्सक्राइबर्स जो महिलाएं हैं पीरियड्स में है, करने में असमर्थ है, घर में सूतक लगा हुआ है, नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और पूनम में भी कर सकते हैं, ठीक है। पूनम का दिन मतलब भगवान श्री हरि का दिन, पूनम का दिन मतलब माता लक्ष्मी का दिन। आप देखो, यदि आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आपको किन दिनों में उनकी पूजा करनी चाहिए? पूनम के दिन, अमावस्या के दिन, तेरस के दिन, शुक्रवार के दिन, राइट। ये वो दिन है जब माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है, आपके घर के धन की रक्षा होती रहती है यदि आप इस उपाय को करते हैं। आप देखो, आप जब भी घर से बाहर जाते हो तो आप अपने घर में लॉक लगाते हो, राइट। लॉक लगता है ना, मतलब आप अपना पूरा घर एक छोटे से लॉक के हवाले करके चले जाते हो। आप देखना, आपके ग्रह यदि कमजोर हैं, किसी नीच ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, आपकी सुरक्षा खतरे में है, आपके घर के ताले टूटेंगे। कई लोगों की जिंदगी पूरी बीत जाती है, कभी उनके घर में चोरी नहीं होती। कई लोगों के घर में, अभी हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स शायद मुझसे, मैंने काफी लोगों से बात कर ली है जिनके घर में कंटिन्यू चोरी हो रही है, क्योंकि आपके घर की सुरक्षा खतरे में है। आप लोगों को जरूर उन उपायों को करना चाहिए जो मैं ताला चाबी के उपाय बताती हूँ, है ना। ताला और चाबी संकेत है, स्वरूप है, चिन्ह है आपकी सुरक्षा का। जब भी दोस्तों घर में ताला लगा करके बाहर जाए, हमेशा ताले पर 3 बार जरूर अपना हाथ ऐसे 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 लगाए, मेरे घर की रक्षा करना, और अपने इष्ट देव का नाम लें। आप देखेंगे कभी आपके घर का ताला नहीं टूटेगा, है ना।
चाबी के ऊपर भी दोस्तों मैंने काफी आपको उपाय बताए हैं, जैसे कोई भी लंबे समय से आपका काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो रात को आप घर में अंदर से लॉक लगाएं, चाबी को बिस्तर के नीचे रखें और सुबह उठते के साथ उस ताले को आप खोलें चाबी से और खोलते हुए अपनी इच्छा बोले। 3 दिन कंटिन्यू आप इस काम को करें, आपका काम होगा। लिख लो इस पर, चाबी आपके तमाम रुके हुए कार्यों को सफल बनाती है, सिद्ध करती है, घर में लक्ष्मी का आगमन करवाती है। हमेशा दोस्तों चाबी लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेट कर रखनी चाहिए, या फिर लाल रंग का रेशमी जिसके अंदर नीचे का बैकग्राउंड हो उसके ऊपर आप रखें। इतना भी ना कर सके तो जो चाबी है इसको जो जिसका हैंडल आता है वो आप रेड कलर का उसमें कपड़ा या लाल रंग का धागा या लाल रंग की कोई भी चीज आप पसंद करें जिसका आप इसको हैंडल बनाएं, इससे घर में बरकत होती है। आज के दिन होली वाले दिन चाबी को लाल रंग के कपड़े में रखें और इसके ऊपर आप अपना पसंदीदा इत्र भरपूर छिड़क दें, थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब के पुष्प उस पर डाल दें और अक्षत डाल दें, और उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी का मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, आपको 51 या 108 बार बोल देना है और चाबी को लपेट करके रख देना है। आज मतलब होली की रात आप इसको करते हैं तो इस चाबी को आप अपनी मुट्ठी में रख करके 7 परिक्रमा होली की कर लेते हैं, कभी भी आपके घर में चोरी नहीं होगी। दूसरा, धन की वृद्धि होती रहेगी। जो लोग होली वाले दिन ना कर पाए वे लोग अगली पूनम को कर दें, फिर आपको परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इत्र छिड़क करके जरूर रखें, बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। उपाय को करते रहें और हमेशा हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।